नमस्कार, संसद टीवी की खास पेशकश शिक्षा की बदलती तस्वीर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। ये शब्द भारत के पूर्व राष्ट्रपति और देश के महान वैज्ञानिक APJ अब्दुल कलाम के थे। शिक्षा मतलब किसी के भीतर की शक्तियों को बाहर लाना, शिक्षा मतलब भीतरी शक्तियों का विकास करना, क्योंकि शिक्षा में वो शक्ति है जो बदलाव ला सके, बरसों से छाए अंधेरे को हटाकर देश समाज को रोशन कर सके। किसी भी देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में शिक्षा का अहम योगदान होता है। शिक्षा में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत है। एक देश के तौर पर हमने पिछले 7 दशक शिक्षा को लेकर किन चुनौतियों का सामना किया, कैसे उन पर जीत हासिल की, क्या है हमारी नई शिक्षा नीति, क्या है करीब 3 दशकों के बाद मिली शिक्षा नीति में। अगले आधे घंटे में नई शिक्षा नीति के पहलुओं से लेकर शिक्षा के 7 दशक के सफर पर डालेंगे नजर। किसी भी देश के विकास में उसके मानव संसाधनों का बड़ा रोल होता है और मानव संसाधन को मजबूत करने का काम शिक्षा का होता है। और इसी के मद्देनजर 3 दशक से ज्यादा समय के बाद भारत में नई शिक्षा नीति लाई गई। भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। 29 जुलाई 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। नई शिक्षा नीति में प्री स्कूल से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चों को समग्र शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नॉलेज हब बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्व के बारे में कई बार बात की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को शिक्षा में समावेशी, संपूर्ण, निहित और भविष्योन्मुखी बनाने के लिए तैयार की गई है। 29 जुलाई को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के 3 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है, बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में CBSE स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए NCERT नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है। तीसरी से 12वीं कक्षाओं तक लगभग 130 विषयों की नई किताबें आ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विभिन्न मापदंडों में से भारत का सबसे बड़ा प्रयास समानता की दिशा में है। उन्होंने कहा कि किसी भी विद्यार्थी का मूल्यांकन उसकी क्षमताओं के बजाय उसकी भाषा के आधार पर करना उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। इसलिए तय किया गया है कि सामाजिक विज्ञान से लेकर इंजीनियरिंग तक के विषय अब भारतीय भाषाओं में पढ़ाए जाएं। समान शिक्षा का मतलब है हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। समान शिक्षा का मतलब है स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है, देश का प्रयास ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का कहना है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक गेम चेंजर साबित होगी जो युवाओं के नवाचार और कौशल विकास पर जोर देती है। आफ्टर लॉन्ग गैप to see that the need is met, there was evolution of new education policy.
stakeholders from all walks of life. Inputs were secured. I am privy to that, both in my position as governor and otherwise. Visionary steps have been taken because a need was felt that education alone can be convinced to bring about transformation in the society that can give solution to our problems and find emergence of an ecosystem that is balanced and holistic and all-inclusive. I do hope. युवा शक्ति को उद्योग, नौकरी और भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सरकार और कई कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की ज्ञान धारा को भविष्य की समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी दस्तावेज है। भारत भारतीयता के तत्व के समाहित करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति समावेशी है, सर्व सुलभ है, सर्वस्पर्शी है, न्यायमूलक है। इस साल फरवरी में शिक्षा मंत्री ने 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री जादुई पिटारा लॉन्च की थी, जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के तहत 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। इस साल बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू करने का ऐलान किया था। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाने और 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड देने की घोषणा की गई थी। हमेशा कहा जाता है कि 21वीं सदी भारत की है। भारत अपने युवाओं के जरिए दुनिया को लगातार ये साबित भी कर रहा है और इसी के मद्देनजर केंद्र सरकार 3 दशक से ज्यादा के समय के बाद नई शिक्षा नीति लेकर आई। नई शिक्षा नीति को भविष्य की शिक्षा नीति कहा जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से स्कूली और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है और ये 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह लाई गई। सबके लिए आसान पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही के आधारभूत स्तंभों पर निर्मित नई शिक्षा नीति सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 के अनुकूल भी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मकसद 21वीं सदी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला बनाना है। भारत को एक ज्ञान आधारित जीवंत समाज और ज्ञान की वैश्विक महाशक्ति में बदलना और प्रत्येक छात्र में निहित अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जानने के साथ साथ हमें उसके उद्देश्य को भी जानना जरूरी है। नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों में बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ना, एजुकेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, बच्चों को अनुशासन सिखाना और सशक्तिकरण करना, एजुकेशन पॉलिसी को पारदर्शी बनाना, इवेल्युएशन पर जोर देना, ओपन एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना, बच्चों की सोच को क्रिएटिव करना, गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन डेवलप करना और रिसर्च पर ध्यान देने के अलावा एक साथ कई लैंग्वेज पर फोकस रखना शामिल है। नई शिक्षा नीति में तय किया गया है कि स्टेट नई शिक्षा नीति में जरूरत के हिसाब से बदलाव कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 के हिसाब से की गई है। इस नीति को बच्चों की 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के अनुसार 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहले हिस्से में प्राइमरी से 2री कक्षा, दूसरे हिस्से में 3री से 5वीं कक्षा, तीसरे हिस्से में 6ठी से 8वीं कक्षा और चौथे हिस्से में 9वीं से 12वीं कक्षा को शामिल किया गया है। फाउंडेशन स्टेज के तहत पहले 3 वर्ष बच्चों को आंगनबाड़ी में प्री स्कूलिंग शिक्षा लेना होगा। इसके बाद बच्चे अगले 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 में पढ़ेंगे। ये चरण प्ले आधारित या गतिविधि आधारित तरीकों से शिक्षण और भाषा कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। प्रीपरेटरी स्टेज में कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 8 से 11 वर्ष तक
उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। ये चरण 3 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। मिडिल स्टेज में कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 11 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। ये चरण 3 वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस स्टेज में बच्चों के लिए खास कौशल विकास कोर्स भी शुरू किए जाएंगे। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई होगी। इसमें 14 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों को कवर किया जाएगा। ये चरण 4 वर्ष में पूरा होगा। इस स्टेज में बच्चों को अपने विषय का चयन करने की आजादी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कम से कम ग्रेड 5 तक अच्छा हो कि ग्रेड 8 तक और उससे आगे भी मातृभाषा या स्थानीय भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा को ही शिक्षा का माध्यम रखने पर जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूले में भी ये विकल्प शामिल है। किसी भी छात्र पर कोई भी भाषा नहीं थोपी गई है। भारत की अन्य पारंपरिक भाषाएं और साहित्य भी विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगे। विद्यार्थियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत 6 से 8 ग्रेड के दौरान किसी समय भारत की भाषाओं पर एक आनंददायक परियोजना या गतिविधि में भाग लेना होगा। कई विदेशी भाषाओं को भी माध्यमिक शिक्षा स्तर पर एक विकल्प के रूप में चुना जा सकेगा। भारतीय संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज को देश भर में मानकीकृत किया गया है। बधिर विद्यार्थियों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की गई है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का गठन कर सकते हैं। सभी मूलभूत नियामकीय सूचना का पारदर्शी उपयोग व्यापक रूप से सार्वजनिक निगरानी और जवाबदेही के लिए किया गया है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य व्यावसायिक शिक्षा समेत उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 3035 तक 50% करना है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा और उपयुक्त प्रमाणन के साथ मल्टीपल एंट्री और एग्जिट विधियों के साथ व्यापक बहुविषयक समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना है। यूजी शिक्षा इस अवधि के भीतर विविध एक्टिव विकल्पों और उपयुक्त प्रमाणन के साथ 3 या 4 वर्ष की हो सकती है। उदाहरण के लिए 1 वर्ष के बाद सर्टिफिकेट, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक। देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के मॉडलों के रूप में IIT, IIM के समकक्ष बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति और अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सृजन किया जाएगा। और अब बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अहम बिंदु की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। नई शिक्षा नीति आज को बेहतर करने और आने वाले कल को संवारने के लिए तैयार की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों, प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक, सबके लिए एक समान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नए शिक्षा केंद्रों की स्थापना करने की बात कही गई है। इस शिक्षा नीति में छात्रों और उनके सीखने के स्तर पर नजर रखने, औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा समेत बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने, परामर्शदाताओं या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं को स्कूल के साथ जोड़ने, कक्षा 3, 5 और 8 के लिए NIOS और राज्य ओपन स्कूलों के माध्यम से ओपन लर्निंग, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, वयस्क साक्षरता और जीवन संवर्धन कार्यक्रम जैसे कुछ प्रस्तावित उपाय है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति को सही ढंग से सीखने के लिए जरूरी और पहली आवश्यकता मानते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना किए जाने पर विशेष जोर दिया गया है। राज्य वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक स्कूलों में ग्रेड 3 तक सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों द्वारा सार्वभौमिक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लेने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे। स्कूल के पाठ्यक्रम और अध्यापन कला का लक्ष्य है कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल या व्यावहारिक जानकारियों से विद्यार्थियों को लैस करके उनका समग्र विकास किया जाए, आवश्यक ज्ञान प्राप्ति और चिंतन को बढ़ाने, अनुभवात्मक शिक्षण पर अधिक फोकस करने के लिए पाठ्यक्रम को कम किया जाए, विद्यार्थियों को पसंदीदा विषय चुनने के लिए कई विकल्प दिए जाएंगे, कला और विज्ञान के बीच पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यवसायिक और शैक्षणिक विषयों के बीच सख्त रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। स्कूलों में छठे ग्रेड से ही व्यवसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी, इसमें इंटर्नशिप शामिल होंगी। नई शिक्षा नीति में योगात्मक आकलन के बजाय नियमित और रचनात्मक आकलन को अपनाने की परिकल्पना की गई है, जो अपेक्षाकृत अधिक योग्यता आधारित है, सीखने के साथ साथ अपना विकास करने को बढ़ावा देता है और उच्च स्तरीय कौशल जैसे विश्लेषण क्षमता, आवश्यक चिंतन मनन करने की क्षमता और वैचारिक स्पष्टता का आकलन करता है। सभी विद्यार्थी ग्रेड 3, 5 और 8 में स्कूली परीक्षा देंगे, जो कि उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। ग्रेड 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रखी जाएंगी, लेकिन समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन्हें नया स्वरूप दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित न रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों पर है, जिनमें बालक बालिका, सामाजिक सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधित विशिष्ट पहचान और दिव्यांगता शामिल है। इनमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से लेकर उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा। इसके साथ ही दिव्यांगता संबंधी समस्त प्रशिक्षण संस्थान केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, प्रौद्योगिकी आधारित उपयुक्त उपकरण और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य सहायक व्यवस्थाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक राज्य जिले को कला संबंधी, करियर संबंधी और खेल कूद संबंधी गतिविधियों में विद्यार्थियों के भाग लेने के लिए दिन के समय वाले एक विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। स्कूल की निशुल्क बुनियादी ढांचागत सुविधाओं का उपयोग सामाजिक चेतना केंद्रों के रूप में किया जा सकता है। भारत की नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत को ज्ञान के क्षेत्र में एक वैश्विक महाशक्ति बनाने पर है और जिसका सफर जारी है, और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम कर रही हैं ताकि भारत को एक बार फिर शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु का दर्जा मिल पाए। नई शिक्षा नीति छात्रों और देश के विकास के लिए लाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भारत की विभिन्न बढ़ती हुई विकासात्मक अनिवार्यताओं से निपटना और एक समग्र शिक्षण माहौल का सृजन करने पर जोर देना है, जिसे व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम और अध्यापन कला डिजाइन करने की स्वतंत्रता, उत्कृष्टता को प्रोत्साहन देने और फैकल्टी की क्षमता निर्माण का प्रयास है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षकों को प्रभावकारी और पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जा रहा है। इसमें पदोन्नति योग्यता आधारित है। कई स्रोतों से समय समय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन करना और करियर में आगे बढ़कर शैक्षणिक प्रशासक या शिक्षा विशारद बनने की व्यवस्था की गई है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा विकसित किया गया है, जिसके लिए NCERT शिक्षकों और सभी स्तरों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ संगठनों के साथ परामर्श किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूलों को परिसरों या क्लस्टरों में व्यवस्थित करने की व्यवस्था की गई है, जो प्रशासन की मूल इकाई और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, शैक्षणिक पुस्तकालयों और एक प्रभावकारी प्रोफेशनल शिक्षक समुदाय सहित सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नीति निर्माण, विनियमन, प्रचालनों और अकादमिक मामलों के लिए एक साफ पृथक प्रणाली की परिकल्पना की गई है।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्वतंत्र स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के गठन की व्यवस्था है। NCERT ने सभी हितधारकों से परामर्श कर एक स्कूल गुणवत्ता आकलन और एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क का विकास किया है। NCERT के परामर्श से NCTE के द्वारा अध्यापक शिक्षण के लिए एक नया और व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा तैयार किया गया है। वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य करने के लिए कम से कम योग्यता 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड BEd डिग्री हो जाएगी। एक राष्ट्रीय सलाह मिशन की स्थापना की व्यवस्था की गई है, जो शिक्षकों को लघु और दीर्घकालिक परामर्श और व्यावसायिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। गुणवत्ता विहीन स्वचालित अध्यापक शिक्षण संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। विशिष्ट श्रेणियों से जुड़े हुए छात्रों की योग्यता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल का विस्तार किया गया है। निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में मुफ्त शिक्षा और छात्रवृत्तियों की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऑनलाइन पाठ्यक्रमों और डिजिटल संग्रहों, अनुसंधान, बेहतर छात्र सेवाओं के उपायों को अपनाया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय में डिजिटल अवसंरचना, डिजिटल कंटेंट और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से एक समर्पित इकाई बनाई गई है। सीखने, मूल्यांकन, योजना बनाने, प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच के निर्माण की व्यवस्था है। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और जीवंतता सुनिश्चित करने के लिए NEP में पाली, फारसी और प्राकृत भाषाओं के लिए एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन और राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की व्यवस्था है। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण को संस्थागत रूप से सहयोग और छात्र और संकाय की गतिशीलता दोनों के माध्यम से सुगम बनाया जाएगा और हमारे देश में परिसरों को खोलने के लिए शीर्ष विश्व रैंकिंग रखने वाले विश्वविद्यालयों के प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी व्यावसायिक शिक्षाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग बनाया गया है। तकनीकी विश्वविद्यालयों, स्वास्थ्य, कानूनी और कृषि विश्वविद्यालयों को मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थान बनाने पर जोर है। इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ साक्षरता हासिल करना है। शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे GDP में इसका योगदान 6% हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यापक विचार विमर्श और प्रक्रियाओं के बाद तैयार की गई है, जिसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, सभी ब्लॉकों और जिलों से लगभग 2 लाख से ज्यादा सुझावों को शामिल किया गया। MHRD ने जनवरी 2015 से इसके लिए परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत की थी। मई 2016 में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके बाद मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016 के लिए कुछ इनपुट तैयार किए। जून 2017 में प्रख्यात वैज्ञानिक और पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के लिए समिति का गठन किया गया था, जिसने 31 मई 2019 को माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का मसौदा पेश किया था, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट और MyGov इनोवेट पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिसमें आम नागरिक सहित हितधारकों के विचारों, सुझावों और टिप्पणियों को हासिल किया गया था। देश की आजादी के 75 साल हो गए और इसी कालखंड में देश ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। इसी कड़ी में कैसा रहा हमारी शिक्षा व्यवस्था का सफर, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। जब देश में आजादी का सूरज उगा, तब शिक्षा के हालात कितने बुरे थे, इसका अंदाजा जनगणना के आंकड़ों ने दिया। देश के महज 18% लोग ही शिक्षित थे। प्राथमिक शिक्षा के लिए महज 32% बच्चे ही स्कूल तक पहुंचते थे। 1951 में करीब 2 लाख स्कूल थे, जो आंकड़ा आज 15 लाख को पार कर गया है। वहीं बात विश्वविद्यालयों की करें तो ये 1951 में महज 27 था, जबकि अब देश में 1072 विश्वविद्यालय हैं।
आजादी के बाद एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी के लिए शिक्षा का नारा दिया गया। इसके लिए अलग से शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जो बाद में मानव संसाधन मंत्रालय में बदला और हर राज्य में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। वर्ष 1952-53 में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ और शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देने के उद्देश्य से साल 1961 में NCERT यानी कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने की सोच के साथ 1956 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC की स्थापना की गई। देश में पंचायती राज के उदय के बाद इस काम को बेहतर ढंग से करने के लिए पंचायती राज को भी इसमें जोड़ा गया, क्योंकि पंचायत ज्यादा बेहतर ढंग से कितने स्कूल चाहिए और छात्रों की जरूरत को समझ सकते थे। वर्ष 1964 में कोठारी शिक्षा आयोग का गठन किया गया। आयोग ने देश की शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए कुछ अहम सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर अमल करते हुए 1968 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और 1975 में 6 वर्ष तक के बच्चों के उचित विकास के लिए समेकित बाल विकास सेवा योजना शुरू की। शिक्षा पर केंद्र और राज्यों दोनों के उत्तरदायित्व को समझते हुए 1976 में शिक्षा को राज्य विषय से समवर्ती विषय में शामिल करने के लिए संविधान संशोधन किया गया। 1986 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, जिसमें आचार्य राममूर्ति समिति द्वारा समीक्षा के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ बदलाव किए गए। आजादी के 4 दशक से ज्यादा बीतने के बाद भी 1991 की जनगणना के मुताबिक देश की करीब 52% आबादी ही अशिक्षा के अंधेरे से दूर हो पाई थी। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान योजना लॉन्च की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना। देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों तक मुफ्त प्रारंभिक शिक्षा देने की बड़ी शुरुआत हुई। इससे न सिर्फ शिक्षा का दायरा बढ़ा, बल्कि बीच में ही पढ़ाई छोड़ने को मजबूर बच्चों की संख्या में भी गिरावट आई। साल 2009 में भारतीय संसद द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 2018 में शुरू की गई इस नीति के तहत सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन को एक कर दिया गया। इसका फायदा भी देखने को मिला। इसके चलते स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर जोर दिया गया। स्कूलों में खेल कूद और पुस्तकालयों को मजबूती दी गई। देश की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि एक बड़ी बाधा थी, जिसमें बाल विवाह, बाल श्रम, गरीबी, भेदभाव जैसी कई समस्याएं थी। लेकिन ये भी सच है कि इन समस्याओं का समाधान भी शिक्षा में ही छुपा हुआ था। विकास के नजरिए से देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील और शिक्षा का अधिकार जैसे अभियानों और कानूनों की बड़ी भूमिका रही, जिससे बड़ी तादाद में छात्र स्कूलों से जुड़े। तो आपने देखा नई शिक्षा नीति का सफर। हमारा ये कार्यक्रम आप संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फिलहाल अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।